नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज से खत्म होगी सन की साढ़े साती, ये पांच राशियां होंगी करोड़पति, मिलेगी अपार खुशियां, धन लुटाएंगे शनिदेव। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ या अशुभ फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की शुभ स्थिति है तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी में व्यतीत होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति होती है तो उसकी वजह से जीवन में एक के बाद एक कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती है। व्यक्तियों को अपने कामकाज में सफलता नहीं मिलती। किसी न किसी वजह से अक्सर वह व्यक्ति परेशान रहता है। शनिदेव की चाल बहुत ही धीमी होती है। यह एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान बदलने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव की उपस्थिति है तो 2.5 वर्षों तक उसका प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान के ऊपर शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती और शनि ढैया का प्रभाव है तो जीवन में उसके कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, अब आपके ऊपर शनि भारी है या नहीं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप इस बात को जान सकते हैं। आपको हम बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ऊपर शनि भारी रहता है उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगते हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर शनि की छाया पड़नी शुरू हो चुकी है। अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। दोस्तों, शनि अशुभ की वजह से व्यक्ति गलत कामों की तरफ चलने लगता है। व्यवहार में उसके बदलाव आने लगता है। मन में उसके कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को किसी न किसी से नुकसान उठाना पड़ता है। शनि भारी होने पर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। शरीर में आलस्य भर जाता है। व्यक्ति को काम काज टालने की आदत होने लगती है। इतना नहीं बल्कि शनि खराब होने की वजह से काम काज में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। शनि खराब होने की वजह से नकारात्मकता उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही नाखून बढ़ना, मदिरा पान करना, ये सारी चीज़ें, गलत संगत करना, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव है तो इसकी वजह से उसके जूते चप्पल और घर की दीवारें अचानक से गिर जाती है, जूते चप्पल फट जाते हैं। यानी कि पालतू जानवर जो हैं उसके घर में अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर गायब हो जाते हैं। इंसान यानी कि अगर नौकरी कर रहा है व्यक्ति तो नौकरी बिजनेस को लेकर अधिक परेशान रहता है। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में इस तरह के संकेत नजर आते हैं तो आपको तुरंत शनिवार के दिन जरूर शनिदेव की पूजा पाठ करनी चाहिए और शनिवार के दिन पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप यानी कि शनिवार के दिन करें तो विशेष लाभ होगा। जैसे कि शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार की रात्रि आप हनुमान जी का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव की उपासना करें, पीपल के वृक्ष में आप जल दें और घोड़े की नाल आप शनिवार के दिन जरूर पहने, विशेष लाभ होगा। शनिदेव से संबंधित मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, कम से कम आप 108 बार जाप करें और शनि के स्त्रोत का जाप करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव उस व्यक्ति के ऊपर अपनी विशेष कृपा निरंतर बनाए रखते हैं। दोस्तों, यदि आप इनमें से कोई भी उपाय निरंतर अपने जीवन में शनिवार की रात्रि या फिर शनिवार के दिन करते हैं तो भगवान शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बन जाती है और इससे आप बहुत ही जल्दी कम मेहनत पर यानी कि बिना मेहनत किए भी जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं और सफलताएं प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बता दें कि माता लक्ष्मी जी धन की देवी कहा जाता है और हर कोई यही चाहता है कि उस पर माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा बने जिससे उसके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की यानी कि कमी ना हो। इसी क्रम में ज्योतिष के मत के अनुसार ग्रहों की चाल से ऐसे संयोग बन रहे हैं कि कल सुबह से माता रानी और भगवान श्रीदेव एक साथ प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों की अब किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इन राशि वालों के बारे में
व होने वाले लाभ के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। बताना चाहेंगे मेष राशि वाले जातकों व्यक्तियों को बुरा समय यानी आप लोगों का बुरा समय खत्म होगा। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनिदेव मेहरबान अब रहने वाले हैं। इस राशि वाले व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में आपको सफलता हासिल होगी, यानी सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। घर परिवार में आपके खुशियों का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बता दें कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि महाराज की विशेष कृपा लगातार बनी रहने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का अब अंत होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको अब आने वाले समय में अचानक अच्छा सा लाभ की प्राप्ति होगी। आपको अपने कुछ दोस्तों से मुनाफा मिल सकता है। अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के पदोन्नत होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों को अब यश में काफी अच्छा रहेगा, मनचाही नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ शनिदेव की कृपा बरसेगी। इन राशि वाले लोगों के अटके हुए काम अब बनने की संभावना है और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे भगवान शनिदेव की कृपा से। आपको अपने जीवन में तेजी से सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लगातार आमदनी बढ़ेगी, लंबे समय से पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, जो कार्य अभी तक नहीं बने वो कार्य बनेंगे भगवान शनिदेव की कृपा से। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार का विस्तार होगा, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। अगली राशि है यहाँ पर दोस्त बता दे कुंभ राशि। भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपके जीवन में अब अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति होगी, लंबे समय से पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो कार्य अभी तक अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। धन संपत्ति में तेजी से इजाफा प्राप्त होगा। विरोधियों को मात दे पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से सरकारी संगठन से लाभ होगा और साथ ही बता दें कि सरकारी जॉब लगने की संभावना है। व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। खूबसूरत इसमें आप लम्हे अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे। प्रेम जीवन में खुशियां और कई बड़े महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं जो आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। लगातार आमदनी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, वर्षों पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश जा सकते हैं। कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, अधूरे सपनों को साकार करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी और इसमें आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूर्ण होने के योग बन रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगली जो राशि आती है दोस्त बता दे वो है यहाँ पर कन्या राशि। बता दे कि अब आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य का उदय होगा और भगवान शनिदेव कृपा से इनकम में बढ़ोतरी होगी, तेजी से व्यापार चलेगा, अटका हुआ फसल व धन भी आएगा, कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे और तेजी से इसमें कोई इंपोर्टेंट फैसला ले सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। भगवान शनिदेव कृपा से आपके सारे अटके हुए काम बनेंगे। बता दें कि इच्छाएं प्रबल रहेंगी, कई बड़े महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, सफलता एक कदम चूमेगी, लगातार इनकम बढ़ने से मन काफी प्रसन्न रहेगा, अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे, इनकम में आपको वृद्धि होगी, कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और इसमें जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। बता दें कि इस दौरान आपको भगवान शनिदेव की कृपा से कोई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, घर के सुख सुविधा में वृद्धि होगी। अगली जो राशि आती है दोस्त बता दे वो है यहाँ पर वृश्चिक राशि। बता दे कि अब भगवान शनिदेव की कृपा से इनकम तो बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा समाज में और साथ ही दोस्तों में इजाफा प्राप्त होगा, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे और साथ ही यहाँ पर गाड़ी वाहन का सुख सुविधा प्राप्त करेंगे, घर परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, रुके हुए तमाम कार्य पूरे करेंगे, कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपकी किस्मत चमकेगी, लॉटरी छट्टे में अजवाएंगे भाग्य तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, अब आपके जीवन में विशेष लाभ होगा, कई बड़े महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। अगर इसमें कोई कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग था,
तो उसे पूरा करने का आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इन राशियों के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी और अब इनके जीवन में कई प्रकार के उपलब्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शनिदेव अब इनके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय शनिदेव साथी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।